ये पूरा के सिद्धांत व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें हम भविष्य की चुनौतियों से किस प्रकार से लड़ेंगे, जिसमें यदि कोई आपातकाल में कोई स्थितियां आती हैं, कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उसमें होम डिलीवरी को कैसे सुनिश्चित कराया जाए, या 3 मई के बाद लॉकडाउन की में अगर किसी प्रकार की छूट दी जाती है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराते हुए हम इसको कैसे दुकानें खोलने के लिए जो है एक व्यवस्था संचालित करा पाए, इसके लिए विचार किया गया है। पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं कि लोग वाहन अपने पार्किंग स्थल में ही खड़े करें और बाजार में अनावश्यक भीड़ न हो, इन सब बिंदुओं पर विचार करने हेतु ये संक्षिप्त में बैठक की गई है और इसका लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात जो है हम लोगों ने पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं और ये भी विचार किया है कि अगर इस तरह की अगर कोई छूट मिलती है तो उसे हमें सुनियोजित तरीके से लागू कराना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना है। ठीक है सर। क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो बधाई देता हूँ आप सब लोगों को कि हमारा इलाका ग्रीन जोन में आ गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और लोगों से यही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल आए हैं और जो प्रशासन ने कहा है उस पर ध्यान देकर वही सारी चीज़ों का पालन करें। अभी जो मीटिंग रखी गई, हाँ हाँ, इसके लिए जो है ये जो मीटिंग रखी गई पीस कमेटी की कि सरकार क्या निर्णय लेगी उससे पहले हम सब तयारी कर लें कि जिन जिन ट्रेनों को मतलब अगर सरकार छूट देती है तो उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, किस हिसाब से वो लोग अपना व्यापार करेंगे, ये तय 3 तारीख के बाद किया जाएगा। और हम सबसे पहले यहाँ के लखीमपुर खीरी जो ग्रीन जोन में आया है, हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब और जितने हमारे यहाँ गोला तहसील के अधिकारी हैं सब बधाई के पात्र हैं, यहाँ की जनता बधाई के पात्र है और हम सब सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का कर्मचारियों का सहयोग करें और अपने को बचावें और जनता को बचावें, ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। इसी से हम ग्रीन जोन में आए हैं, ग्रीन जोन में ही बने रहें, कोई खतरा पुनः जो है ना आने पावे गोला गोकर्णनाथ पर। और मैं समझता हूँ गोला के भोला यहाँ बैठे हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं, तो यहाँ कोई खतरा नहीं आएगा। ये भोलेनाथ की मर्जी है और भोलेनाथ की मर्जी से हम सब बचे हैं और बच्चे रहेंगे। जय गोला जय गोला। अभी आप देख रहे थे व्यापार मंडल के पास और यहीं पर हमारे लाइन कवर करते हैं। सर ये इसके बारे में आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये बिल्कुल यकीन है, जो 3 तारीख के बाद जो ये दुकानें खुलने के संदर्भ में जो हमारी जो जिला जनपद जो है ग्रीन जोन में आ गया है येलो से, लेकिन जिस तरह से ये येलो से ग्रीन में आया है इसमें हमारे लिए चुनौतियाँ बढ़ी हैं। चुनौतियों के रूप में हम इसको लेते हैं, अवसर के रूप में इसे हम ले सकते हैं। हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी ये बनती है किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, किस तरह से सैनिटाइजर का उपयोग करें, किस तरह से अपने परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का ख्याल रखें ताकि उनको किसी प्रकार का बाधा न होने पाए। और नगर में आप समझिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे कुछ बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी गोला में भोले बाबा की कृपा से अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है और हमें इस बात का
जो है इस बात को अच्छे रूप में लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में एक और बात सोचनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है, एक अदृश्य वैश्विक बीमारी है जिससे कोई भी अभी तक नहीं बचा है। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, तोप समझते थे, अमेरिका जैसा जहाँ 60,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, वहाँ पर इसके साथ किसी प्रकार की लापरवाही और जनहित में एक बहुत बड़ी जो है बाधा के रूप में सामने आएगी। मैं नगरवासियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जो है शासन प्रशासन का जो भी आदेश आए उसको माने और नगर को जो है इस ग्रीन जोन में ही आगे बरकरार रखें। भोले बाबा की कृपा रही तो ऐसा अवश्य होगा, लेकिन इस हमें अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, हमें खुद इस बात को मेंटेन करना है। पहले हम अपने आप को सोशल मेंटेनिंग करेंगे, मेंटेनिंग करेंगे, पहले अपने आप को हम सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारा मोहल्ला, नगर और देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। और सफाई से ज़्यादा